बाका पत्थर दिल पिघला, अब लौटेंगी शाह परिवार में खुशियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। कल मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो भी बा के साथ हुआ है, बा का बेहोश होना या अटैक आना, ये कहीं ना कहीं काव्या से ही रिलेटेड है। और आज हमने देखा कि बा का रवैया काव्या के प्रति बदला, तो ये किस तरफ इशारा करता है दोस्तों, क्योंकि शाह परिवार में लोग बदल रहे हैं, मतलब शाह परिवार में खुशियां आ रही हैं और अनुपमा के लिए ये साई ऑफ रिलीफ है। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जब बा बेहोश हुई और काव्या अकेली घर पे थी, बापूजी ने ये एस्टेब्लिश किया कि काव्या अकेली घर पे है क्योंकि बापूजी और बा की बात हुई। पहले तो ये सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, पहली बार काफी दिनों के बाद एक सीन ऐसा आया है जो बा और बा के बापूजी के बीच में है, जो अच्छा सीन था। बापूजी ने जिस तरह बताया कि कैसे वो अपना जो है समय बिताते हैं और कुछ वैल्यू भी क्रिएट करते हैं बच्चों को कहानी सुना के, और कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, तो अपनी कमाई पे जो अच्छा फील होता है वो बापूजी ने फील करवाया। मजा आया ये सीन देख के। और इसी सीन में ये एस्टेब्लिश हो गया कि काव्या ही अकेली घर पे है, बाकी सब लोग बाहर है। बा का बेहोश होना और काव्या का अकेले घर पे होना, ये अपने आप में ही इंडिकेट करता है कि अब काव्या को ही सब कुछ करना पड़ेगा। मगर दिल की धक धक जब शुरू हुई जब काव्या ने फोन लगाने शुरू किए, वी का फोन नहीं लग रहा, समर का फोन नहीं लग रहा, कट्टू इधर अनुपमा के सीन चल रहे हैं, तो एक बार तो लगा कि लगेगा तो अनुपमा का ही फोन लगेगा और किसी का फोन नहीं लगेगा। मगर अच्छा लगा कि कट्टू सीन शुरू हुआ तो बा लेटी हुई थी, डॉक्टर जा चुका था और सब लोग वहां पे बैठे थे, मतलब अनुपमा नहीं आई और काव्या ने सारी ड्यूटी निभाई जो एक बहू को निभानी चाहिए। तो काव्या ने अपना काम बाखूबी किया, इंसानियत के नाते ले लो, बहू के नाते ले लो, जैसे भी ले लो। और बा तक ये अच्छी जो बात थी वो पहुंची, क्योंकि कई बार काव्या ने अच्छा किया है मगर बा के हार्ट तक नहीं पहुंची है, क्योंकि उसके हार्ट पे पहले से ही जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है वो रहती है और बा के हार्ट तक चीजें नहीं पहुंचती हैं। तो बा के हार्ट तक पहुंची, बा ने थैंक यू कहा और काव्या इमोशनल होके अपने कमरे में चली गई। तो ये तो एक सिग्नल है कि काव्या ने माफी कमानी शुरू कर ली है। अब दूसरी जो टेढ़ी खीर है इस घर में, डिम्पी, जिसको हम कुछ एपिसोड से सुधरा हुआ देख रहे हैं, जो न्याय की बात करती है, जो फीमेल की बात करती है कि औरत कैसे दूसरी औरत का दर्द, ये वो सब बातें करती है, कहने का मतलब कि वो भी अब सुधर रही है। तो अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब ये बंटवारे की लकीर भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि तीन लोग जिसकी वजह से इस घर में पूरा चल रहा था तमाशा, एक तो स्पेशली दो लोग जो डिम्पी और बा, जो टेढ़ी खीर है, जो बातों को सीधे से नहीं समझते हैं, इन दोनों को थोड़ी सी अक्ल आती दिखाई दे रही है। काव्या जिसकी वजह से, जिसकी गलती से इतना सब कुछ जो है, खुशियां जो है जैसे गम में बदल गई, वो सब कुछ भी अब ठीक होता नजर आ रहा है, तो बचा कौन? बची वो बंटवारे की लकीर। तो ये सब अब मिलकर उस बंटवारे की लकीर को भी मिटा देंगे और शाह परिवार में खुशियां लौटेंगी, चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही, क्योंकि ज्यादा देर तक खुशियां भी नहीं टिकती हैं, कुछ ना कुछ चैलेंज तो रहता ही है। तो मजा आएगा इस ट्रैक को देखने में, क्योंकि ये एक बड़ा जो है साई ऑफ रिलीफ है अनुपमा के लिए, क्योंकि अनुपमा को उधर अब अनुज की जिंदगी में बहुत कुछ सॉर्ट आउट करना है, इसलिए इधर थोड़ी शांति बनी रहे वही ठीक है। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.